हेलो फ्रेंड्स, आज जो मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ, इस वीडियो में आज मैं आपको जो जानकारी देने जा रही हूँ वो है कि हमने पिछले काफ़ी ज़्यादा टाइम से नोट किया है कि कनाडा में जब स्टडी वीज़े के लिए अप्लाई किया जाता है तो लड़कियों का वीज़ा वहाँ पर जल्दी एक्सेप्ट किया जाता है लड़कों की बजाय। लड़कियों को, जो गर्ल्स हैं उनको जल्दी वीज़ा मिलता है। इसके क्या कारण हो सकते हैं उसके बारे में आज मैं आपसे डिस्कशन करने जा रही हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लड़कों को वीज़ा नहीं मिल रहा, लड़कों को भी वीज़ा मिल रहा है, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें बॉयज़ और गर्ल्स में तो गर्ल्स को जो स्टडी वीज़ा है बहुत जल्दी मिल जाता है। तो इसके पीछे क्या कारण है, क्यों मिलता है उन्हें वीज़ा जल्दी, तो इसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आपको बता दूँ कि हमारे पास जो हमारे नुमाइंदे कनाडा में बैठे हैं उनके पास 15 साल का कनाडा में काम करने का एक्सपीरियंस है, उन्हें पूरी प्रॉपर नॉलेज है कनाडा के बारे में, और इंडिया में काम करने का उनके पास 35 साल का एक्सपीरियंस है, 35 ईयर्स। मीन्स के हम चाहते हैं कि जो भी कनाडा जाए कोई भी इंसान, तो उसे वहाँ पर जाकर सेटल होने का अच्छा मौका मिले। हम हर किसी स्टूडेंट की जो इंडिया से कनाडा सेटल होने के लिए जाना चाहते हैं उसकी हेल्प करना चाहते हैं। अगर आप हमसे कनाडा के बारे में कोई फ्री ऑफ कॉस्ट जानकारी लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपके पास न्यू जो हम अपडेशन डालते हैं टाइम टू टाइम वो आपके पास पहुँच सकें और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। सारी वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं जिन्होंने कनाडा जाना है और जो लोग कनाडा के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, क्योंकि ये सारी जानकारी जो हम देते हैं बिल्कुल सही है। अगर कनाडा में लड़के और लड़कियों के वीज़े की कामयाबी को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हमारे तजर्बे के अकॉर्डिंगली ये देखा जा रहा है कि लड़कियों को वीज़ा बहुत जल्दी मिल जाता है, और ये जो लड़के हैं लड़कों का वीज़ा जल्दी एक्सेप्ट नहीं होता। इसके पीछे क्या कारण है उसके बारे में आज मैं आपको सारी जानकारी देने जा रही हूँ इस वीडियो के ज़रिए, ताकि आपको भी पता चले कि क्या कारण है, ताकि जो भी काम लड़कियों को पता चल जाए या लड़कों को पता चले कि क्यों उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। काफ़ी लड़कों का, सारे लड़कों का नहीं, कुछ लड़कों का होता है, तो इसके क्या कारण है वो सारे कारण मैं आज इस वीडियो के ज़रिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर पिछले 5 साल का रिकॉर्ड चेक किया जाए तो उसमें क्या देखा जा रहा है कि जो भी वहाँ पर प्रॉब्लम आ रही हैं, तो मोस्टली प्रॉब्लम जैसे हम कोई क्रिमिनल ऑफेंसेस चेक करते हैं तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा ये चेक किया जा रहा है कि जितनी भी वहाँ पर समस्याएं आ रही हैं वो बॉयज़ के द्वारा खड़ी की जाती हैं। यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे बॉयज़ ही ये समस्याएँ पैदा करते हैं, लेकिन कुछ बॉयज़ ऐसे हैं जो इंडिया से कनाडा पढ़ने के लिए गए हैं लेकिन वहाँ पर वो सीरियस ढंग से पढ़ते नहीं हैं। वहाँ जाकर मोस्टली वो लड़के क्या करते हैं, वहाँ पर जाकर लड़ाई झगड़ा करते हैं, शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, पब्लिक प्लेस पे जाकर हंगामा करते हैं, या पढ़ाई के दौरान वो पढ़ाई नहीं कर रहे और कनाडा से वो फरार हो जाते हैं। तो ऐसे जब रिकॉर्ड निकाला जाता है क्रिमिनल ऑफेंसेस का, तो वहाँ पर ऐसे रिकॉर्ड मोस्टली जो इंडिया से बच्चे स्टडी वीज़े के लिए पढ़ने के लिए गए हैं उनका रिकॉर्ड ऐसा निकल के सामने आता है बॉयज़ का। और अगर हम पिछले 5 साल का रिकॉर्ड लड़कियों का निकाल कर देखें तो उनका रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है, उन्होंने ऐसा कोई क्राइम नहीं किया। कनाडा में क्या है, लड़कियों की परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है और मैक्सिमम लड़के डिपोर्ट हो रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि लड़कियां वहाँ पर सीरियस होकर पढ़ती हैं। कनाडा में लड़कियों को जो सरकारी नौकरी है, गवर्नमेंट जॉब है, वो बहुत ही ईजली मिल जाती है, जिसे जैसे कि नर्सिस हो गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, सर्विस कनाडा, या फिर बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज, या टेक्निकल ट्रेड्स, इन सभी में भी लड़कियों को ईजली जॉब मिल जाती है। कनाडा में मेल्स और फीमेल्स हैं उनमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता, उनके लिए लड़के और लड़कियां दोनों सेम हैं। सभी जगह जहां भी काम होता है ऐसा नहीं है कि कोई काम स्पेशल लड़कों के लिए है या स्पेशल लड़कियों के लिए है, सारे काम लड़कियां भी कर सकती हैं और लड़के भी कर सकते हैं। सर्दियों में तो ऐसा होता है कि कहीं आप जॉब कर रहे हो, जो पर्सन आपके साथ काम कर रहा है तो आपको ऐसा भी नहीं पता चलता कि वो जो आपके साथ काम कर रहा है वो लड़का है या लड़की है। मीन्स के लड़के लड़की में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता।
लड़कियां कनाडा में रहकर अच्छे तरीके से रह रही हैं और पढ़ रही हैं, वो कभी भी एब्सेंट नहीं होती अपनी जॉब से, इसलिए उनकी एब्सेंटिज्म काफ़ी ज़्यादा लो होती है। और ज़्यादातर वो क्या करती हैं, एक ही एम्प्लॉयर के साथ लगातार लंबे समय तक काम करती हैं। इसी वजह से जब वो अपनी पीआर की अप्लाई करती हैं, अपना पक्के होने के लिए अपनी फाइल लगाती हैं, तो तब किसी तरह की उन्हें किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन बॉयज़ की अगर बात करें तो बॉयज़ मोस्टली क्या करते हैं, एक एम्प्लॉयर के साथ लंबे समय तक काम नहीं करते, वो अपने एम्प्लॉयर को चेंज करते रहते हैं और उनके रिकॉर्ड के अकॉर्डिंगली उनके रिकॉर्ड में एब्सेंटिज्म काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि वो अपने जॉब से काफ़ी लंबा समय एब्सेंट रहते हैं। तो इसी वजह से जब वो अपनी पीआर की फ़ाइल अप्लाई करते हैं तो उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से लड़कियां वहां पर ज़्यादा कामयाब हैं। लड़कियों को पैसा सेव करने की आदत होती है, एक लड़कियों की नेचर है कि वो अपना पैसा सेव करके रखती हैं, तो इसी वजह से वो अपनी जो भी उन्होंने वहाँ पर जाकर कमाई की है उसको वो वेस्ट नहीं करती, तो इसी वजह से उनका पैसा वहाँ पर सेव रहता है। कनाडा एक ऐसा देश है जहाँ लड़कियाँ अक्सर पुलिस, बैंक, इनकम टैक्स सर्विस कनाडा, स्कूल बस ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, लोकल बस सर्विस और ट्रक ड्राइवर पर भी आपको काम करती नज़र आएंगी। उनकी लड़कियाँ वहाँ सारे काम कर सकती हैं और अच्छी इनकम ले रही हैं। जो इंग्लिश का टेस्ट होता है ना, वो भी लड़कियाँ ही मोस्टली पास करती हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट से पढ़ती हैं। आपने देखा होगा कि बहुत बार ये देखा जा रहा है कि जो लड़के मोस्टली गांव से आ रहे हैं, विलेज से आ रहे हैं, तो उनका क्या होता है, आइलेट्स का एग्ज़ाम पास नहीं होता, लेकिन लड़कियां आइलेट्स का एग्ज़ाम ईज़िली पास कर लेती हैं, इस वजह से भी वो जल्दी कनाडा पहुँच जाती हैं। इस वीडियो के ज़रिए हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि अगर आपकी बेटी प्लस टू पास है और उसने बीए या एमए की हुई है और वो आइलेट्स एकेडमी में अच्छे बैंड ले सकती है और आपके पास उसकी पढ़ाई के लिए खर्च करने के लिए 15 लाख रुपए हैं, तो आप अपने बेटे से पहले बेटी को कनाडा भेजें, क्योंकि आपकी बेटी कनाडा ईजिली आकर सेटल हो जाएगी और उसके बाद वो आपको भी बुला सकती है। तो सही रास्ता अपनाने की ज़रूरत है। पंजाब में अक्सर देखा जा रहा है के लड़कियों की शादी पे लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, जैसे कि बड़ा पैलेस कर लिया, लड़की को काफ़ी ज़्यादा दाज दहेज दे दिया गया, या फिर उसको गाड़ी दी गई और उसके लिए उसको कितना सारा सोना डाला गया, तो ये सारे खर्च करने के ऊपर आप लाखों रुपए खर्च करते हैं। लेकिन इसकी बजाय अगर आप ये सारा पैसा आप लड़की के कनाडा भेजने में खर्च करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप अपने लड़की को कनाडा भेजें और फिर आपको उसकी शादी पे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उसके बाद आप भी कनाडा जाकर सेटल हो सकते हैं, तो ये सोचने की बात है। यहाँ पर हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि अगर लड़की की मैरिज हो चुकी है और उसके बच्चे हैं तो वो परिवार समेत अपनी पूरी फैमिली के समेत भी कनाडा जाकर सेटल हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका कनाडा में कोई रिलेटिव होना ज़रूरी है, ये कोई ज़रूरी बात नहीं है। अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं तो हमारे कनाडा में एक नुमाइंदे बैठे हैं और उनके पास वहाँ पर काम करने का 15 साल का एक्सपीरियंस है और वो आपकी वहाँ पर सेटल होने में पूरी हेल्प करेंगे। जो लड़कियाँ इंग्लिश में कमज़ोर हैं, जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है, वो लड़कियाँ टेक्निकल ट्रेड कोर्स चूज़ कर सकती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन, वेल्डर, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये वाले कोर्स लड़कियाँ चूज़ कर सकती हैं। ये कोर्स चूज़ करने की उनको ज़रूरत है, क्योंकि अगर उनकी इंग्लिश वीक है, अगर आप ये कोर्स चूज़ करते हैं तो आप कनाडा में ईजिली आकर पक्के होने में आपको आसानी होगी और इन कोर्स में आपको ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं करनी पड़ेगी और आपको ज़्यादातर प्रैक्टिकल ही करवाया जाएगा। कनाडा में जो कनाडा की सरकार है वो कनाडा के बारे में सब तरह की जानकारी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है उनकी एक, उसके ऊपर आप जाकर सारी जानकारी कनाडा के बारे में फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। ये जो वेबसाइट है उसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ, वेबसाइट नोट कर सकते हैं आप, www.canada.gc.ca। मैं रिपीट कर रही हूँ, www.canada.gc.ca। इस वेबसाइट पे जाकर आप कनाडा के बारे में कोई भी जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। ये सारी वेबसाइट जो है जो इंग्लिश में है,
जिस भी विषय में आपने जानकारी लेनी है उसको इस वेबसाइट की विंडो में जाकर टाइप करें और एंटर करें और आपको सब तरह की जानकारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। और जो लड़कियां शादी के बाद अपने पति के साथ कनाडा जाना चाहती हैं वो भी हमसे संपर्क कर सकती हैं, हम उनको पूरी सही सलाह देंगे और सही सलाह मशवरा करके आपको भेजेंगे। जो लड़कियों की शादी कनाडा में के जो नागरिक हैं उनके साथ हुई है और उनके हस्बैंड ने उनकी स्पॉन्सरशिप नहीं भरी तो उनके लिए हम उन्होंने कनाडा कैसे पहुंचना है उसके बारे में भी जानकारी प्रॉपर दे सकते हैं। कनाडा और इंडिया का आपको पता ही है कि पूरा 12 घंटे का फ़र्क है टाइम का, जैसे कि इंडिया में क्या है दिन है तो कनाडा में रात होती है। तो इसलिए अच्छा रहेगा कि जो मैं आपको कनाडा का नंबर बताऊंगी उसके ऊपर आप सिंपल टेक्स्ट मैसेज करो, उस नंबर पे आप टेक्स्ट मैसेज करके फ़ोन अटेंड करने का समय मांग सकते हैं और कनाडा से आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी जानकारी आपको कॉल की जाएगी और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी जानकारी दी जाएगी, लेकिन वो इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंगली आपको फ़ोन करेंगे और आप इस तरह हमसे संपर्क कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। हम चाहते हैं कि हम आपकी प्रॉपर हेल्प करें ताकि आप किसी भी फ्रॉड में ना फंसें और सही रास्ता अपनाकर आप कनाडा जाकर सेटल हो सकें। अगर आप हमसे फ़ोन पे बात करना चाहते हैं तो हमारा इंडिया का नंबर है 9815101148। इस ये इंडिया का नंबर है, इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप वर्किंग डेज़ में सुबह 9 बजे से 5 बजे तक बात कर सकते हैं। और हमारा जो कनाडा का नंबर है वो है 9888950। इस पे व्हाट्सएप चलता है, व्हाट्सएप पे आप अपना सिंपल मैसेज और नाम लिखकर छोड़ सकते हैं, अपना फ़ोन नंबर लिख के छोड़ दें और आपको इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंगली आपको फ़ोन आएगा और आप किसी भी तरह का अपना जो भी अपने अपने क्वेश्चन पूछने हैं वो पूछ सकते हैं और इंडिया के कनाडा के बारे में आपको सारी सही जानकारी दी जाएगी। हम चाहते हैं कि आप सही रास्ता अपनाकर कनाडा जाकर सेटल हों और आप किसी भी फ्रॉड में ना फंसें और आपका पैसा बर्बाद ना हो और कम से कम समय में सही रास्ता अपनाकर आप कनाडा जाकर सेटल हो सकें। अगर और ज़्यादा आप अपडेशन चाहते हैं और न्यू वीडियोस देखना चाहते हैं और कनाडा के बारे में सही जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।